हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्या आप भी अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का 3D AI फोटो को बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का 3D AI फोटो को बना सकते हो। तो गाइस, चलिए आज इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास क्या करना है, अपने फोन के गूगल चाहे क्रोम को आपको ओपन करके यहाँ जाना है सर्च बार पर, और यहाँ से आपको बिंग इमेज क्रिएटर को सर्च कर लेना है। बिंग इमेज क्रिएटर को सर्च करेंगे उसके बाद उसका वेबसाइट आपको फर्स्ट में शो जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे उसके बाद इसमें आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जो कि मैंने पहले इसमें लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, बिना लॉगिन किए आप इसमें 3D AI फोटो को नहीं बना सकते हो। तो मैंने जो है पहले से लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट में होगा 1 to see how image creator work। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली फर्स्ट वाला क्लिक करके यहाँ से आपको टेक्स्ट को इसमें एड करना है। तो मैंने जो है टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ पहले पेस्ट करके। तो ये जो टेक्स्ट है मैंने इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर आके पेस्ट कर देना है। सो फ्रेंड, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहां से नीचे जाना है। आपको यहां पर एक यूजर नेम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यूजर नेम के जस्ट साइड में क्लिक करके इस नाम को पहले रिमूव कर देना है, और यहां से आपको अपना नाम को यहां पर टाइप कर देना है। तो यहां से मैं अपने नाम को पहले टाइप कर देता हूं, ठीक है। एंड गाइस, नाम को टाइपिंग करने के बाद आपको यहां से होगा एक क्रिएट का बटन, आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करके आपको कुछ सेकंड वेट करना है और आपका यहां पर 3D AI फोटो बन के आ जाएगा। और हाँ गाइस, अगर अभी तक ने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आगे भी इसी तरह वीडियो देखने को मिलता रहे। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख पाएंगे, मेरा यहाँ पे पूरा प्रोफेशनल 3D AI फोटो जनरेट होकर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके, अभी आप देख सकते हो कितना बेस्ट आपका फोटो बन जाएगा वन क्लिक से ही। तो अभी इसको बैक कर देंगे, बैक करेंगे उसके बाद आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड आपको करना है फिर से इस पर क्लिक, तो यहाँ से मैं दूसरे नाम को ऐड करने वाला हूँ। यहाँ से मैं MR Zulum इसमें ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपको करना है फिर से क्रिएट पर क्लिक, क्रिएट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना है, आपका 3D AI फोटो जनरेट होकर आपके सामने शो हो जाएगा। एंड जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरा यहाँ पर 3D AI फोटो जनरेट होकर मेरे सामने शो हो चुका है। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पर पूरा प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन चुका है, और यहाँ पर मेरा MR Zulum नाम भी एड हो चुका है। तो इनमें से आपको जो भी पहले बेस्ट लग रहा है उस पर आपको पहले क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसको अभी बैक कर देंगे, और आपको करना है फिर से इस पर क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो यहाँ इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। इंस्टाग्राम की जगह पर आपको जो है कुछ और टाइपिंग में दिखाता हूँ पहले करके। यहाँ से जो है मैं स्नैपचैट जो है टाइपिंग करता हूँ, तो यहाँ जो है मैंने स्नैपचैट को टाइपिंग कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली फिर से करना है क्रिएट पर क्लिक, क्रिएट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना है, आपका 3D AI फोटो बन के आपके सामने शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप लोग देख पाएंगे, मेरा यहाँ से फिर से 3D AI फोटो क्रिएट होकर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके, और यहाँ से मेरा इसमें नाम भी एड हो चुका है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे, और आपको इनमें से जो भी बेस्ट लग रहा है पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। करेंगे डाउनलोड पे क्लिक, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप इस तरह से किसी भी स्मार्टफोन से इस तरह का प्रोफेशनल फोटो को बना सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है, और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो का ही प्लान करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।